नमस्कार दोस्तों, मैं कई महीने के बाद जंगल आया हूँ और देखिए आज मैं स्नान भी नहीं किया, बस ऐसे ही कपड़े पहना और आ गया। तो दोस्तों ये जंगल में मैं गर्मियों के मौसम में आया था तो यहाँ पे हरियाली उतनी नहीं थी। गर्मी के बाद बरसात ख़त्म हो गई, फिर जाड़े का मौसम आ चुकी है तो हरा हरियाली देखिए कितनी अच्छा हरियाली है। देख रहे हैं जंगल के बीच में एकदम हरियाली। तो दोस्तों ऐसे मुझे पता चला है कि 20 लगभग 20 हाथी हैं उस ओर चले गए हैं और हम लोग डर डर के उस इलाके में आए हैं जहाँ पर कुछ महीने पहले हम लोग ने पेड़ पौधे को लगाया था। हम जाके चेक कर रहे हैं वो पेड़ पौधे अभी भी जीवित है या नहीं है। लगता मर गया। लगता कि हम लोगों ने जो भी पेड़ लगाया वो शायद मर गया। मेरा या तो कुछ नहीं, नहीं नहीं ये है। ये हम लोगों ने इसे लगाया। अच्छा कोई जानवर या कोई गाय बैल इसको ना इसके ऊपर चढ़ गया और ये तोड़ गया। अच्छा इसका उपाय हो जाएगा, इसको इसमें दिया जाएगा सपोर्ट कर देंगे। हम बोले और दोस्तों एक तो पीपल का पेड़ मिला और दूसरे पेड़ हम लोग ढूंढते हैं जिसे हम लोगों ने लगाया था। अभी अभी भी हरा भरा है। पानी नहीं डाले थे सर? ये एक ये जो छोटा सा पीपल का पेड़ पौधा जो हम लोग लगाए थे ये ग्रो नहीं कर पाया बहुत ज्यादा। और लीची का पौधा किधर किधर लगाए थे हम लोग? बहुत गौर से देखना होगा। देखिए साफ सफाई अगर रहता ना तो ग्रो करता। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, साफ सफाई कर सकते हैं। नहीं है, नहीं ये नहीं है ना, वो पौधा ही बहुत छोटा था इसलिए हमको होगा यहीं अगल बगल में होगा। देखिए ये रहा एक नींबू का पौधा। नींबू मिल गया जी? मिल गया। अरे वाह, ये तो बहुत छोटा था। ये भी अभी भी छोटा है लेकिन उसमें और बहुत छोटा था। और ये आप देख सकते हैं नींबू का पौधा एकदम छोटा सा। चलिए हमारी मेहनत रंग लाई, पौधा भी जीवित है जबकि लग रहा था यही मर जाएगा और ये बचा होगा। और वहाँ लगाए थे हम लोग लगता लीची का पौधा, वो मर गया। मर गया ना, मर गया। ये हो सकता है हम लोग को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ झाड़ी भी बहुत हो चुकी है, अलग अलग प्रकार के घास आए हैं। जीठोर का पौधा है, जीठोर के कच्चे फल है जो खाने में खटमीठ जैसे लगता है। अभी भी इसको खाया जा सकता है। हाँ दोस्तों बिल्कुल खट्टा है, फर्स्ट क्लास खट्टा है लेकिन मुझे पसंद है। वाह दोस्तों ये रहा पका हुआ जीठोर। तो दुकान में एक प्रकार का चॉकलेट मिलता है खट्टा और मीठा, बिल्कुल वैसे ही स्वाद है। वाह तो पका हुआ जीठोर। तो बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ के जंगलों में खाने के लिए आया था, आया करता था। वही दिन मुझे याद आ रही है। हम तो स्कूल से भाग भाग के सब खाने के लिए जाते थे। जंगल के नज़दीक रहने से आपको यही सब लाभ मिलता है। झारखंड का बहुत ही पॉपुलर ढिठोर का
फल। इसके पौधे कंटीले होते हैं, काफ़ी सारा इसमें कांटे होते हैं जो कपड़ों में लग सकते हैं और हम लोग को शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कितना सुंदर लगता है, शुरू में तो ये हरे इस तरह के होते हैं और पकने पे ये गाढ़े काले रंग के हो जाते हैं। खाने में बहुत टेस्टी है, हल्का खट्टा और अच्छा मीठा सा लगता है। तो मैं इसे क्या बात है। हाँ तो भाई आप ये देख सकते हैं डिट्ठो, जंगल से सटा हुआ गांव है हमारा और ये डिठोर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है, काला है, लाल है और कुछ इस पौधे में हरा भी है। और इसका स्वाद हम देखते हैं, क्या कि बहुत दिन के बाद जंगल आए हैं और हम लोग को बहुत ही एक छोटा सा पौधा में मिल गया है, तो चला टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। खट्टा, एकदम खट्टा जो भी है, मज़ा आ रहा, खट्टा के साथ थोड़ा मीठा, दांत कटकटा गया, मज़ा आ गया। पूरा चबा जा रहे हैं कि नहीं? मैं तो इसके बीज को फेंक रहा हूँ। बीज को भी खाना है? खाना है। चलिए आप ये नई चीज़ दिखाएं मुझे कि मुझे बीज को चबा जाना है। कट कट से आवाज़ कर रहा है, जो भी हो मज़ा आ गया। पहले बैर का उसको कूट के क्या बोलते थे, चूरन चूरन चूरन, उसका भी चूरन बना के खाया जा सकता। अच्छा, तो आयुर्वेदिक दुकान में तो त्रिफला का चूरन मिलता है। हाँ, मतलब आंवला का। ये बैर का ही दूसरा रूप है। अच्छा, ये गर्मी में चारों तरफ फैलता है, वो जड़ बन के ऊपर चला जाता है। खट्टा मीठा होने के कारण मजा आ रहा है। तो दोस्तों, मैं अपने 3 मित्रों के साथ जंगल आया और ये हरा भरा जंगल को देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ और आशा करता हूँ कि आप सब भी ये वीडियो को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए होंगे। तो दोस्तों, मुझे जंगल अच्छा लगता है। जंगल में अभी भी मेरे कानों में अलग अलग जो पक्षियाँ जो है, पक्षियाँ उनकी आवाज़ें आ रही है, गूंज रही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जैसा ये जंगल आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करता हूँ। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बनने में कृपया मदद करें। धन्यवाद। थैंक यू।